दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में शेफ सिद्धांत। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्ते के पकोड़े, जो मानसून में मेरे तो बहुत फेवरेट हैं। अगर आपके भी फेवरेट हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए। दाल को मैंने एक रात पहले ही सोख करके रख दिया था। 250 ग्राम धुली मूंग दाल लेंगे। दाल को मिक्सी में पीस लेंगे। ढाई सौ ग्राम चना दाल लेंगे, इसको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम पेस्ट बनाएंगे। एक बाउल लेना है, दोनों दालों को मिलाना है। चार से पांच हरी मिर्च लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट। स्वाद अनुसार नमक। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल और मसाले को। कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि अरबी के पत्ते छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अब हम अरबी के पत्ते की डंडी को कट कर लेंगे। हम पत्ते में मसाले को लगाएंगे। मसाले को पत्ते के दूसरी साइड लगाना है। पत्ते को इसके ऊपर रख देंगे, इसमें भी मसाले को लगा लेंगे। इसी तरह हमें चार से पांच पत्ते को ऐसे ही करना है। फिर हम अपने पत्तों को रोल कर लेंगे और साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ देंगे ताकि वो खुले ना। ऐसे ही और भी पत्तों को बना लेंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 200 ml पानी डालेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे जो हम कढ़ाई में रख सकते हैं, जिससे कि हम अपने पकोड़ों को स्टीम कर सकें। प्लेट में ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे और कढ़ाई को ढक्कन से ढक देना है। स्टीम बन जाने के बाद अब हम अरबी के पकोड़ों को कढ़ाई के अंदर रख देंगे और ढक्कन से ढक देंगे। दस से 12 मिनट तक पकोड़ों को पकाना है। अब हमारे अरबी के पकोड़े स्टीम हो चुके हैं, एक एक करके निकाल लेंगे। अब हम इनको कट कर लेंगे, ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करने हैं।
पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमें एक कढ़ाई लेनी है, 150 से 200 ml ऑयल लेंगे क्योंकि हमें पकोड़ों को डीप फ्राई करना है। पकोड़ों को जब तक फ्राई करना है जब तक कि वो गोल्डन क्रिस्पी ना हो जाएं। अब हमारे अरबी के पत्ते के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। इसको हम सर्व करेंगे रेड सॉस और ग्रीन सॉस के साथ। हर मानसून की ये रेसिपी मेरे घर की सबसे ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। शेफ सिद्धांत।